नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, फाइनली Redmi 6 एंड Redmi 6 के डिवाइस के यूजर्स के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से आपको Android Pi Base अपडेट रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका वर्जन है MIUI 10.4.3.0 का लेटेस्ट वर्जन। जी हाँ दोस्तों, Redmi 6 एंड Redmi 6 डिवाइस के यूजर्स के लिए 10.4.3.0 का स्टेबल अपडेट, जो कि Android Pi Base अपडेट रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका साइज देख सकते हैं 135 MB का साइज है। और दोस्तों, जो अपडेट यहाँ पर ग्लोबल स्टेबल अपडेट है, मतलब कि इंडियन यूजर्स के लिए रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने लिए पर इसी Redmi 6 डिवाइस के बारे में 10.4.3.0 स्टेबल अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप Redmi 6 डिवाइस के यूजर से, तो दोस्तों आप सभी को पता है हो कि Redmi 6 डिवाइस में कुछ दिन पहले आपको 10.3.6.0 का अपडेट, जो कि यहाँ पर Android Oreo बेस अपडेट रिलीज होना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं आज से फिर से Android Pi Base, मतलब कि 10.4.3.0 का स्टेबल अपडेट, जो कि ग्लोबल स्टेबल अपडेट आप देख सकते हैं, इंडियन यूजर्स के लिए रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। और इसके पहले दोस्तों कुछ डिवाइस का अपडेट देखने को मिल चुका था, जिसका वर्जन 10.4.1.0 का स्टेबल वर्जन था। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारे लोग यहाँ पर बग्स देखने को मिल चुके थे, कुछ लोग यहाँ पर जो प्रॉब्लम था रिकवरी मोड में चला जाता था। लेकिन दोस्तों, जो अपडेट यहाँ पर बग फिक्स करने के लिए अपडेट रिलीज किया गया, जिसका वर्जन देख सकते हैं 10.4.3.0 का स्टेबल वर्जन है एंड Android Pi Base अपडेट है, और उसका साइज देख सकते हैं 135 MB का साइज है। अगर आपको फर्स्ट टाइम Android Pi अपडेट मिलता है, तो दोस्तों आपके जो साइज है काफी बड़ा साइज रह सकता है, 1.4 GB का साइज आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने पहले से अपडेट इंस्टॉल करके रखा था, मतलब कि Pi Base अपडेट मेरे डिवाइस में पहले से इंस्टॉल था, इसकी वजह से मुझे 135 MB का साइज मिल चुका है। और दोस्तों, इस Redmi 6 डिवाइस में Android Pi Base अपडेट इंस्टॉल करने के बाद कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं, इसका मैंने पूरा फुल रिव्यू का वीडियो बना के रखा है। अगर आपको पूरा टॉप फीचर्स देखना है, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं। Redmi 6 से Android Pi अपडेट मिलने के बाद कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं, सारे के सारे फीचर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास Redmi 6 से एंड Redmi 6 का डिवाइस है, तो जल्दी से सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करके देख लीजिए, आपको Android Pi अपडेट देखने को मिल चुका होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बस यही 10.4.3.0 स्टेबल अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला था, Redmi 6 से एंड Redmi 6 डिवाइस के लिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।